राघव राजा राम पतित पावन सीता राम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीता राम सीता राम सीता राम भज प्यारे तू सीता राम सीता राम सीता राम भज प्यारे तू सीता राम रघुपति राघव राजा राम प्रतीत पावन सीता राम ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीता राम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीता राम सीता राम सीता राम भज प्यारे तू सीता राम सीता राम सीता राम भज प्यारे तू सीता राम रघुपति राघव राजा राम प्रतीत पावन सीता राम सीता राम सीता राम आज तो दिल्ली वाले के ऑटो वालों की बड़ी जबरदस्त जान है। क्या बात है क्या बात है, आज तो सारी चर्चा ही ऑटो पर है। अहमदाबाद से लेकर दिल्ली तक ऑटो ही ऑटो की चर्चा है। लेकिन इस बीच एक स्टिंग भी आया है और स्टिंग पर भी चर्चा है और आम आदमी पार्टी की आबकारी नीति को लेकर वो स्टिंग है। आम आदमी पार्टी का क्लैरिफिकेशन है उस पर, वो बहुत महत्वपूर्ण क्लैरिफिकेशन, उसको रखा जाना चाहिए। और क्लैरिफिकेशन ये है कि अगर मैं दोषी हूं, आम आदमी पार्टी कहती है उसके जो मंत्री सिसोदिया जी, कि अगर मैं दोषी हूं तो चार दिन के भीतर मुझे गिरफ्तार किया जाए। यानी आज का दिन है शुक्रवार, मंडे तक मुझे किसी भी दिन कोई गिरफ्तार करे। लेकिन अगर मैं बेगुनाह हूं तो वो साबित भी होना चाहिए, वो दिखना चाहिए। तो ये आम आदमी पार्टी का क्लैरिफिकेशन है जिसको मैंने रखा। लेकिन स्टिंग की चर्चा, ऑटो वालों की चर्चा यहां अहमदाबाद से लेकर दिल्ली तक, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन मैं सबसे पहले जो यहां पे मौजूद हैं मैं उनसे बातचीत करूंगा, जो तमाम सारे लोग आए मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं उनसे भी आपका तारुफ कराएंगे, और जो लोग यहां पे रोज की तरह यहां पे आते हैं उनसे भी बातचीत का सिलसिला जोड़ेंगे। लेकिन आज इंद्रदेव की बड़ी हमारे ऊपर लगता कृपा है, तो बारिश तो होगी मुझे मालूम है, लेकिन फिर भी ज्यादा बारिश होगी तो शो बंद करेंगे, नहीं तो बातचीत करते रहेंगे। कहां से हैं आप साहब? सर मैं वैसे तो दिल्ली से हूँ, बेसिकली लखनऊ से हूँ। मैं लखनऊ के रहने वाले। अच्छा साहब, तो कैसे दिल्ली में कैसे हैं, काम करते हैं? सर मैं बैंक में जॉब करता हूँ। हाँ। तो आज इधर कैसे आना हुआ? सर मैंने सुना है कि यहाँ पे न्यूज 18 का शो होता है, तो बस उसी दिल्ली आ गए। नहीं, नहीं, हाँ। सर अपनी बात रखने के लिए आए। बहुत अच्छी बात है, वाह। लखनऊ का आदमी पीछे नहीं रहना चाहिए, बिल्कुल अपनी बात कहना चाहिए। हाँ जी कहिए, कहाँ से आने आया हूँ आपको? हिमाचल से। सर हिमाचल से? तो बस आ ही रहा हूँ मैं, हिमाचल पहुँचने वाला हूँ। 14-15 दिन शो करूंगा वहाँ पे हिमाचल में। कल भी आया था। हाँ जी कल भी आया था। कल भी आए थे आप? क्या नाम है आपका? अंकित कुमार। अंकित कुमार, तो अंकित कुमार कहाँ के रहने वाले हैं आप हिमाचल में? कहाँ के? पोंटा साहिब, डिस्ट्रिक्ट सिरमौर। पोंटा साहिब के? वाह जी वाह, क्या बात है बाजी। बाजी हमारे बड़े खुश हो गए, और खुश हो गए वो तो मैं भी खुश हो गया। बाजी इस बार दर्शन करने चलेंगे माथा टेकने? बाजी कह रहे हैं हाँ बिल्कुल पोंटा साहब चलेंगे माथा टेकने, तो ऑफकोर्स हमें पहुंच जी आ गया, आपके पास भी आ गया। वो लगा लेना ये जो ये रखा है ना। हाँ जी कहाँ, क्या नाम हो गया आपका? मेरा नाम मोहम्मद जुबैर है। मोहम्मद जुबैर कहाँ के रहने वाले? रुको सांस लेके बोलो आराम से। मोहम्मद जुबैर कहाँ के रहने वाले हैं आप, कहाँ के बाशिंदे हैं? दिल्ली नांगलोई। वाह क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि कब तक आरोप प्रत्यारोप की राजनीति चलती रहेगी, इससे आगे जनता कब बचेगी? ये तो ये बीजेपी को कुछ कहेंगे बीजेपी वाले, आम आदमी को आम आदमी कांग्रेस पे, जनता के बारे में कौन सोचेगा? आ!
कह रहे जनता के बारे में कौन सोचेगा? क्या आखिरी सेंटेंस क्या बोला तुमने? मैंने ये कह रहा हूँ जनता के बारे में कौन सोचेगा? ना, ना 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 ऐसे नहीं बोला था, तुम वैसे ही बोलो जैसे नांगुली में बोले थे। सर मैं नांगुली से बोलो ना, नांगुली वाला बोलो सर। मैं ये कहना चाहता हूँ कि कहीं कीचड़ हो, कहीं कीचड़ हो, कहीं खाले भरे हुए हो, पानी भरे, बारिश का पानी भरे, इन्हें कोई मतलब नहीं। ये तो उसका स्ट्रिंग वो करेगा, वो कहने लगा जी वो गलत है, वो कहेगा वो गलत है, हमारा क्या होगा? वही जो खाली है ना, खाली गड्ढा। हमारे पास ये जब आएंगे तभी ना वोट चाहिएगा। हाँ ये आएंगे जब वोट चाहिए, एमसीडी का चुनाव आने वाला है। और कहेंगे मेरे बागी को भी, अरे कहने का सर जी, आज कोई दिखाई नहीं दे रहा, कहीं पानी भरो, कुछ ही हाल हो, जनता का बिजनेस कहीं हो, कारोबार का मंदा हो, कोई टेंशन नहीं है इन्हें। इन्हें सिर्फ टेंशन है अपनी, अपने बच्चों की। मैं खुलाम कहता हूँ कि मैं किसी नेता को नहीं कह रहा, हर एक नेता को कह रहा हूँ। एक काम करो जुबेर जी। क्या काम करते हो आप? सर मेरी कपड़े की शॉप है नांगलोई पंजाबी बस्ती में। अच्छा तो आएंगे फिर एक दिन आएंगे। सर मैं चांदनी चौक से भी शॉपिंग करके अपना माल भेज दिया हूँ। हाँ, अब इसके बाद खाली हो गए तुम? इसके बाद स्पेशल आपके लिए रुका हूँ। मजेदार वाली बात है भाई जी, जब खाली हो जाता है आदमी तो शो की तरफ भागता है। चलो चलो शाम में चलो भाई जी के यहाँ बोलूंगा चल के। भैया जी क्या, इधर आओ जुबेर, क्या आदमी मजेदार है यार तुम। हाँ तो ये मतलब जैसे खाली गड्ढा, इससे कोई मतलब नहीं? इनसे सर कोई मतलब नहीं है, इन्हें सिर्फ अपनी वोट की राजनीति करनी है। हिंदू मुसलमान चाहे वो कोई भी पार्टी हो, मैं नहीं कहता बीजेपी है, मैं खुलेआम कहता हूँ हर पार्टी यही चाहती है कि इंसान इंसान से लड़े, मेरा काम बने। बहुत बढ़िया। मैं हर पार्टी को कह रहा हूँ, मैं पूरे हिंदुस्तान की हर पार्टी को कह रहा हूँ, चीख के चीखो ना तुम हल्के कहो। हाँ हर पार्टी को कह रहा हूँ, ये इनको सबको चिल्लाने दो। सर मैं हर एक पार्टी को खुलेआम कह रहा हूँ कि कोई भी पार्टी ये नहीं चाहती कि इंसानियत का भला हो। अच्छा, कोई भी ये नहीं चाहते कि इंसान सुकून से जिए। वो तो देखो ऑटो से घूम रहे हैं, तब भी तो मेरा अच्छा नहीं लग रहा। मेरी बात आप समझ नहीं रहे, मैं क्या हम आज मिला है मुझे ऊंट पहाड़ के नीचे। जुबेर कह रहे हैं मेरी बात समझ नहीं रहे हो आप, बड़ी महीन बात कह रहे हैं। कहो तुम, तो समझने की कोशिश करेंगे आज। मैं कहना ये चाह रहा हूँ, एक काम करें, इन्हें जनता के मुद्दों से मतलब क्यों नहीं है? मुद्दे सर उठाओ आप भी अपने चैनल पे। हाँ। कहने के भाई आप बीजेपी वालों को बिठाओ, कांग्रेस वालों को बिठाओ, एमआईएम को बिठाओ, सबको बिठाओ। एमआईएम को भी बिठाओ, सबको बिठाओ, सबको। हाँ। जो भी सरकार में मौजूद है खासकर उन्हें भी बिठाओ। हाँ। और उनसे सवाल करो जनता के। हाँ। जब आएगा मजा। अब ये क्या सिस्टम हो रहा है, कहने के भाई ऐसा है भाई, ऐसा है कि बीजेपी वाले हैं उन्हें बिठाए, कहने लगे जी कांग्रेस 70 साल से नाश कर दिया देश का। अरे तुम्हें तो 8 साल हो गया, अगर तुम भी कुछ करो अब। आज एक काम करो जुबेर, इन सबको भैया आप लोग अपने अपने घर जाओ, खत्म। आपको भी आज प्रश्न पूछने की ना, कोई ना ना ना, मैंने मैं एक सवाल नहीं पूछा। जुबेर ने पूरा मोनोलॉग किया है। मोनोलॉग मतलब यही बोलेंगे, सवाल भी कर रहे हैं ये और जवाब भी दे रहे हैं, तो कोई जरूरत ही नहीं अभी जवाब ये दे। इनसे लो सर, आप लो ना रोज बिठा के इन्हें। आपको पूरे देश की 130 करोड़ की आबादी देखती है। हाँ। फिर सर आपको देखेंगे कि हमारे से पहले भी आपकी आवाज ज्यादा सुनते हैं। हाँ। हमारे से पहले ही आपकी आवाज ज्यादा सुने ना, ना जुबेर, तुम्हारी आवाज में ईमानदारी है। हाँ। तुम्हारी आवाज में ईमानदारी है। हाय हाय यार, मुस्कुराते बहुत अच्छे हो। इससे पहले भी किसी ने कहा कि तुम मुस्कुराते अच्छा? आपके पास आपके ही शो में मैं 2 साल पहले भी आया था और मैं इधर ही खड़ा हुआ था, मैंने एक जैकेट पहन रखी, तो आपने बोला था ये हो इन तो जरूर बात पूछूंगा। वही हूँ सर, मैं वही हूँ। 2 साल पहले आए थे? दो ढाई साल पहले। जुबेर आज 2.5 साल बाद आया जुबेर, और जुबेर ने देखो ऐसी बढ़िया बजा, सवाल भी किया जवाब भी दिया। आज किसी पार्टी की जरूरत नहीं है। सर मैं एक बात और कहना चाह रहा कि सब ऐसा करते सारी पार्टियों को भेज देते बाहर। एक बात और है। हाँ। सर संजय सिंह ने आप पे 11 लाख करोड़ का एक इल्जाम लगाया। हाँ। हम ये नहीं कहते कि वो सच है। हाँ। आपको कहा कि आपने पूंजीपतियों का 11 लाख करोड़ रुपए माफ कर दिया। हाँ। सर अगर आपने करा गलत कि माफ कर दिया तो आप वो बताओ, और अगर संजय सिंह गलत है तो जेल में डाल लो। यही तो बात हो रही थी। उन्होंने कहा गजब है जुबेर, आज तुम पूरा शो करोगे, आज तो बस हम बीच बीच में आ आ करेंगे बस, और आज शो तुम ही करना है जुबेर। नहीं ना 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 जुबेर, तुम ही करोगे शो, और जिसको रहना हो रहे शो में, और जिसको जाना है जाए। और जुबेर क्या बढ़िया शो कर रहा है यार, सवाल पर सवाल पूछ रहा है और जवाब का जवाब दे रहा है। हाँ जी हाँ जी सर, ये तर्क वितर्क करते रहते हैं लेकिन एकजुट होके इसका हल क्यों नहीं निकालते? जनता इतनी परेशान है, उनके लिए कोई नहीं सोचता। अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ, तुम भी आ जाओ अंदर। आज तो शो ही बदल दिया मैंने। आज जिसको जाना हो जाए,
अंदर आ जाओ, तुम भी आ जाओ, जा 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 जिसको जान। अरे पंडित जी अंदर आओ, अरे आओ, अरे क्या है मोदी जी अरे आओ, अरे बिल्कुल ही डिफरेंट हूँ मैं, मोदी भक्त हूँ मैं। मोदी भक्त हैं तो अभी आपकी भी जरूरत है, आइए अंदर आइए, मरवाएंगे कैसे, अंदर आइए, यहाँ खड़े जाएंगे। अरे मोदी जी पैसा नहीं है, किसको अच्छा लगेगा? नहीं नहीं हमें अच्छा लगता है। अच्छा, मोदी जी का नाम लगवाया हमने ना? अवतार मोदी जी अवतार, ओ वर्मा विष्णु महेश है, तीन तीन लोगों के नाम दीनानाथ दीनदयाल, अमित शाह जी, मोदी जी, योगी जी। ये ब्रह्मा विष्णु महेश हैं? वो है वो तीनों जो तीनों हाँ। कौन कौन लोग? मोदी जी, मोदी जी विष्णु हो गए, अमित शाह जी क्या हो गए, ब्रह्मा जी और योगी जी। योगी जी गजब भाई, अरे जो मेरे यहाँ आओ, तुम्हारी जरूरत है। तो आप क्या कह रही थी? सर मैं ये कह रही हूँ, ये तर्क वितर्क करते हैं लेकिन कोई हल नहीं निकालते सर। इतना आप लोग यहाँ आके लड़ते हो, कम से कम जनता के लिए तो लड़ो। जनता के लिए आप नहीं लड़ते, आप सिर्फ अपने लिए लड़ते हो कि जनता क्या करे। तो ज्यादा वहाँ परेशान ना हो, वहाँ ना आज यहीं सब आ जाओ, इन सब ये सारे लोग आज रस्सी के बाहर जाएंगे। हाँ मैं आ गया। हाँ क्या हो गया? जो मौजूदा सरकार है और बहस से क्यों भागती है, क्यों बैठ के हल निकलने के लिए तैयार होती है? जो मौजूदा सरकार है वो बहस से भाग रही है, भाग रही है, भागती है। अच्छा। पार्लियामेंट से क्यों भागती है? पार्लियामेंट से सरकार भाग रही है, है। अच्छा बहस के लिए तैयार नहीं होती, तैयार बहस के लिए तैयार नहीं है, हाँ हल्ला करने लगती है। आज तो भैया बहस रखी हुई है, मेरा कुछ मतलब नहीं। जो रुको मैं आ रहा हूँ, सब लोग अंदर नहीं आएंगे। तो आप क्या कह रही थी? सर इतनी बेरोजगारी है। 20 साल लगे इसको सीखने में, करने में। तुम आए और आज ही सीख लोगे? 20 साल लगे हुजूर इसमें असर पैदा करने में, हमें 20 साल लगे मुझे इसमें असर पैदा करने में। ये आज ही आएंगे और आज ही सब कर ले भाई। सब लोग को जिनको जाना हो डिबेट में रहें, और जिनको जाना हो आज डिबेट में जाए, दूसरे मूड में भैया जी बिल्कुल। हाँ जी आप क्या कर रही थी? सर ये बेरोजगारी पे बात नहीं करते। कौन नहीं करता? सर करते ही नहीं है कभी भी। युवा इतने पढ़े लिखे हैं लेकिन उन्हें जॉब नहीं मिलती। हाँ जी सर, हम जैसे लोग भी भटकते रहते हैं कि क्या काम करें। सर इतनी तो महंगाई हो गई है, बंदा सब्जी लेने जाता है उसके पास पैसे ही नहीं बचते, बेचारा खाएगा क्या? सुबह से शाम तक रिक्शे वाला चलाता है, ऑटो वाला चलाता है। सर इतनी महंगाई है बहुत ज्यादा, ये लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, जनता के लिए नहीं। जनता से वोट लेने होते तो सारे आ जाते हैं, हम ये कराएंगे वो कराएंगे। शराब के ठेके खोल दिए सर स्कूल में। रुको भाई रुको। हाँ जी सर, गवर्नमेंट स्कूल में इन्होंने किया है पानी जाके। सर आप एक बोतल पियो, बिस्लेरी की बोतल पीते हो ना, स्कूल का पानी पी के दिखाओ। मैं कल बोतल भर के लाती हूँ, आप पी के दिखाओ। बच्चा आता है पेट में दर्द। आज तो बहस ही ना, उनकी तरफ देखो ना, वो इतने खूबसूरत भी नहीं कि उनकी तरफ देखा जाए। ना 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 ना, वो इतने खूबसूरत नहीं। मैं देखो मैं बिल्कुल बढ़िया अच्छा दिख रहा हूँ, मेरी तरफ देखो सर, और मेरी तरफ देख के ही बोलो, उनकी तरफ देखो ही ना। सर बच्चों को स्कूल में खाने के, दिल्ली स्कूल की बात कर रही हैं आप? दिल्ली स्कूल की, गवर्नमेंट स्कूल की। हाँ। बच्चों को देते हैं 5 रुपए वाला पैकेट कोई जूस दे देते हैं, बच्चा पीता है, बाद में पेट दर्द से घर में रोता रहता है। हॉस्पिटल लेके जाओ ना, MRI की सुविधा है बिल्कुल भी नहीं है, एक्सरे नहीं है, लाइनों में लगे रहो, इतनी लाइनें होती हैं, पर कुछ भी नहीं है सर। सर बिल्कुल भी नहीं है जनता के लिए, बस इन्हें वोट चाहिए। ये लड़ते हैं तो एक होके काम करें ना जनता के लिए। जनता से तो आप वोट लेने आ जाते हैं, जनता के लिए क्या किया आप बताओ? जुबैर भाई देखो आज शो तुमने बदल दिया पूरा, बिल्कुल सर बिल्कुल। और शो एग्री ना, बिल्कुल। तो मैं कहता हूँ मैं भी एग्री। और तुम क्यों परेशान हो, तुम्हें क्या दिक्कत है बताओ? मेरी दिक्कत है ये सर, मैं एक ऑटो रिक्शा जो है लोन कराया था 2020 में, और उसी टाइम पे कोरोना आ गया, मैंने 2 किस्तें भरी थी। कोरोना आते ही जब कोरोना थोड़ा सा खत्म हुआ, लॉकडाउन फ्री हुआ, बैंक वाले नहीं कंपनी वाले मेरी गाड़ी उठा के लेके चले गए और 2 साल तक गाड़ी चलवाया। बैंक वाले नहीं ले गए थे, कंपनी वाले ले गए थे, लेकिन बैंक वाले कंपनी वालों से मिली जुली है, 2 साल तक मेरी गाड़ी चलवाया। जब मैं गाड़ी लेने गया वहां पर तो गाड़ी का पुर्जा खत्म हुआ पड़ा है, अब मैं उसे क्या लाऊं सर? और कंपनी वाले और ये बैंक वाले सब मिले जुले हुए मिल के खा रहे हैं और मुंह पे बोल रहे हैं। हम लोग वहाँ खड़े होके पेमेंट के लिए के हम अपना ओके कर ले, लेकिन वो कह रहे हैं मैं वो बला हूँ जो शीशे से पत्थर को तोड़ता हूँ। वो बैंक का मैनेजर है सर। क्या कह रहे हैं? मैं वो बला हूँ जो शीशे से पत्थर को तोड़ता हूँ कंपनी वाले से। और कंपनी किसकी है? आए हाय क्या हुआ, क्या नाम है आपका? पूजा जी नमस्ते, कहाँ से आना हुआ आज आपका?
आज तो शो ही बदल दिया यार जुबेर, तुमने तो हमने घामघा बुला लिया क्या इन लोगों को? सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं है। हाँ सर ये तो रोज ही बोलते हैं, आज जनता की सुनी जाए। आए, आए। हाँ जी सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखो हर आदमी, मैंने शुरू में भी आपसे बात कही और अभी भी मैं यही बात कह रहा हूँ कि नेता जिस दिन जनता के लिए सोचना शुरू कर देगा ना, उस दिन हिंदुस्तान को दुनिया देखेगी क्या हिंदुस्तान क्या चीज है। आप यहाँ से मुबारकपुर प्रेमनगर के रास्ते में नांगलोई को निकल के जाओ, दिल्ली में अरे बेंगलोर का बैठा वो कैसे देखेगा? हाँ, तो हमको बोलने दिया करो सर। आप अगर पहुंचोगे वहाँ पे तो आप सर इतने बुरे हालात हैं, ये जो नांगलोई स्टेशन है वहीं पे ही। हाँ हाँ मेट्रो स्टेशन सर उससे आगे चल के जो किराड़ी रोड जाता है। हाँ, हाँ, इतने बुरे हालात है सर, आप निकल नहीं सकते सर। किसी भी ऑटो वाले से रिक्शे वाले से पूछ लो, दो दो तीन तीन फीट पानी भर जाए किसी बारिश आते ही, कोई सुनवाई नहीं है सर, कोई सुनवाई नहीं। ब्रह्मा विष्णु महेश, रुको भाई मैं आ रहा हूँ, सुनने दो। हाँ जी यहाँ पर किसी से भी पूछ लीजिए आप, अपने दिल पे हाथ रखे, वो तो ज्यादा डरते हैं कि नहीं बोले बच जाएगा। मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, इस बात को मानना पड़ेगा, नहीं तो शौचालय में जाके सोचो। अगर नहीं भाई कर रहे हाथ खड़ा कर दो, मोदी जी गलत काम कर रहे, कोई मोदी जी गलत काम कर ही नहीं रहे। आज तुम्हारा वजूद बना दिया, मैं तुम्हें करुणा बता दिया कि करुणा था, वजूद बता दिया। हाँ नहीं तो बता नहीं पाता करुणा था, मर जाते बंदा रहे। क्या बात है, क्या नाम हो गया आपका? गौरी शंकर। नरेंद्र नायक नाम है मेरा। नरेंद्र नायक, मोदी भक्त। हाँ किसे बोल लेना पाली यार, मैं बता देगा दुकान पे छोड़ के आएगा। रुको भाई जुबेर, तुम दोनों लोग सवाल जवाब नहीं करोगे, उनके चक्कर में मत फंस जाना, उनसे मत सीखना। जुबेर रहोगे, मोदी भक्त रहेंगे। मोदी जी पैसा नहीं है, मोदी जी नोट नहीं है, जो हर किसको अच्छा लगेगा, हर किसको अच्छा लग जाएगा मोदी जी, बस जरूरी नहीं है। हाँ ये रुको, और जिस आदमी की बुराई होने लग जाए ना तो वो तरक्की पे चल रहा है। थैंक यू जो बुराई कर रहा मोदी जी की, मुझे अच्छा लगा बस भाई। अब कहाँ जा रहे हो? अरे ऐसा थोड़ी देर रुको यार, रुको यार, मैं जब तक इन सबको उठा ना दूं तब तक यहीं खड़े रहना। एक्चुअली मैं सच बोलता हूँ, ज्यादा फिर वो कड़वा लग जाता। किसको कड़वा लगेगा? क्या लगता है को लग रहा होगा? अरे तो मोदी भक्त हो तुम, खुलेआम बोल रहे हो, जिसको कड़वा लगे वो घर जाए अपने। एक्चुअली मैं वहां तक टाइम नहीं। अरे हे सुनो मेरी बात, इनको एक गिलास पानी ला के दो फिर तुरंत। ये सच में ईमानदार आदमी बोले, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। वो वाली बात नहीं है, मैंने सच आदमी जो काम कर्मठ आदमी है वो ऐसा ही होता है। आपका आपको बहुत बहुत मुबारक, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत मंगल कामनाएं, और कभी कभी आते रहना ठीक है। बहुत बहुत कुछ कहना है? एक बात कहना चाहूंगा, कोई भी ज्ञानी हो नरेंद्र का मतलब बता दीजिए, कोई नरेंद्र मतलब क्या होता है? सिस्टर थैंक यू राजा, वो ऊपर से पहले से लिख के आया राजा, वो राजा है हकीकत में, वो राजा ही रहेगा। अपन पर जाए इसको मानना पड़ेगा, अपन पर जाए। यहाँ पे थोड़ा सा मैं नहीं मानता। नहीं अब मेरी बात सुनिए। अरे रुको यार बस अब यहाँ पर, यहाँ पे थोड़ा सा मेरा तुम्हारा। हाँ मैं इसलिए कि मैंने वो राजा हैं वो सब ठीक है, लेकिन मैं प्रजातंत्र में रहता हूँ। बहुत बहुत स्वागत, कल जरूर आना टाइम पे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। पाजी आज का प्रोग्राम शुरू करना था मुझे, लेकिन मैं भूल गया कि प्रोग्राम भी शुरू करना है। मेहमान जरूर आए हुए बैठे हैं, और मेहमान आके बहुत देर से तसल्ली के, बस आप ही रह गए हैं ना, बाकी सब बोलिए ना, आप भी बोलो, चलो बोलो। हाँ जी, आप लोगों के सामने पड़पड़गंज का हारा हुआ विधायक हूँ मैं। हारे हुए विधायक हैं? तो चुनाव क्यों लड़े थे? जीतने के लिए लड़ा था। सुनो मेरे दोस्तों, अरे उधर भाषण तो मेरे देखो, दुनिया का आपने कौन सा देश देखा? मनीष सिसोदिया जी, जिनके स्कूलों के सामने, शहर के बच्चों के स्कूलों के सामने दीवारों के अंदर घुस करके शहर का कचरा घर बना। भाई ये तो हमने बात हो चुकी है पुरानी, बात हो चुकी है, लेकिन सॉल्यूशन नहीं निकला। तो फिर काहे के विधायक आप, काहे विधायक के चुनाव लड़े थे आप, जब आप खुद नहीं करा पाएगा? आप मुझे एक वोट भी देंगे तो मैं आपके बच्चों के। देखो समझो, क्या नाम बताया तुमने? सर हरेक। रुको, नाम क्या बताया? सर नाम मोहम्मद जुबेर। मोहम्मद जुबेर सुनो, इनको एक वोट नहीं मिला जी। ये चुनाव हार गए जी, इसलिए इन्होंने काम नहीं सर, कराया। ये जीत भी जाते कोई काम ना करते सर, ये हैं? सारे नेता ऐसे ही हैं सर, सब ऐसे ही हैं। ये जीत जाते काम ना करते। आज एक खुलेआम एक बात कहना चाहता हूँ कि जैसा मैं यूपी से हूँ, फिलहाल दिल्ली में रहता हूँ, कि योगी के आने के बाद हमारे एरिया में अपराध कम हुआ है। योगी जी के आने के बाद अपराध कम हुआ है। जो बात ईमानदारी की है हटूंगा नहीं उस चीज से जुबेर भाई, और विकास भी हो रहा है।
मोदी जी की, योगी जी की राज। हाँ, लेकिन एक सिस्टम है, अगर एक चीज सही होती है तो चार गलत होती हैं। जैसा कि किसान, इन्होंने वो करा था, किसानों का बिल लाए थे उसमें, नहीं किसानों का बिल लाए थे आपने। भाई क्या कर रहे हैं आप? केजरीवाल की फैन है, इसको भी थोड़ा सुन लो। केजरीवाल जी की फैन है आप? मैं जरूर सुनूंगा पूजा जी, आपकी बात जरूर सुनूंगा, जरूर सुनूंगा। केजरीवाल जी की फैन है तो जरूर सुनूंगा, जरूर सुनूंगा। सर मैं ये कह रहा था, जैसा कि अच्छे काम हुए हैं, हाँ, विकास हो रहा, हाँ, और जी क्या नाम, अपराध कम हो रहे हैं, दो काम हो रहे हैं योगी जी के राज में, योगी जी के और मोदी के राज में, दोनों हाँ, के जो बात ईमानदारी है सच है। लेकिन जो सर गलत हो रहा, एक तो सर ये जो सिस्टम है ना, ये हिंदू मुस्लिम वाला, ये इनके मेरे समझ से बाहर है सर। जो सर ईमानदारी की बात है, अगर ये, मैं ये कह रहा, हिंदुस्तान का मुसलमान, हिंदू सिख ईसाई बीजेपी को वोट देगा अगर ये अपनी मानसिकता सिर्फ हिंदू मुसलमान से बदल लें। मैं सर ईमानदारी की बात कहूंगा, आज पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। और दूसरा मसला सर, मेन चीज जो है, एक जैसा सर इन्होंने मेरी कपड़े की लाइन है, जब मैं शुरुआत ही 14-15 साल पहले सर, जीएसटी बिल्कुल नहीं थी मेरे कपड़े पे, मैं 100, 110, 120 रुपए का सूट ले जाता था, 150 रुपए में ठाओ। और अब, और अब सर वही सूट 210 का ले जाके, 220 का ले जाके 250 रुपए बेच रहा हूँ जीएसटी विद जीएसटी। सर इनकम तो क्या नाम बढ़ी नहीं, और खर्चा बढ़ गया, फायदा ज्यादा लग गया, टैक्स भी लग गया। दो काम हो गए सर, एक छोटा सा काम, मेरा मेन मुद्दा जो है, मेन वाला पहले बोला करो सर। सर जिस दिन ये, जिस दिन ये पूरे हिंदुस्तान की जनता को एक सुर में अपना समझ लेंगे, उसी दिन यूं समझ लो 130 करोड़ जनता श्री नरेंद्र मोदी के साथ है, जिस दिन एक सोच से बदल लेंगे। और इन्होंने एक बहुत तगड़ी गलती करी, वो मैं आपको सच बता देता हूँ, कि इन्होंने जो किसान मरवाए ना 800, इनका बड़ा दुख है मुझे। आज तो बहुत लंबी बात हो गई भाई जनता से, और जुबैर साहब बहुत लंबा बोल गए, और जुबैर साहब ने बोला कुछ बात ऐसी है कि जो बहुत ईमानदारी के साथ बोली उन्होंने। बिल्कुल ऑफकोर्स मैं आऊंगा, सबके पास आऊंगा, बातचीत का सिलसिला जोड़ूंगा। अच्छा पूजा जी रह गई हैं, पूजा जी केजरीवाल जी की फैन है, पूजा जी कहाँ से आई हैं आप? शिकायत भी बहुत है। किन से? केजरीवाल जी से। अरे तो आप जो फैन है तो फिर क्या शिकायत कहेगी? नहीं दोनों बात है, पहले तो हॉस्पिटल बहुत अच्छे चल रहे थे, दवाइयाँ मिल रही थी, सब कुछ हो रहा पहले, पहले कोरोना से पहले। हाँ। आप कोरोना गए भी काफी टाइम हो गया, पर ना कोई डॉक्टर ठीक से काम कर रहा है। आप कहाँ रहती हैं? मैं दिलशाद गार्डन जीटीवी इनक्लेव के पास। हाँ। पर अब दवाइयों के लिए कह देते हैं, पीछे से ही नहीं है आ रहा, तो दवाइयाँ नहीं आ रही अस्पतालों में, और ऊपर से शराब के ठेके गली गली मोहल्ले मोहल्ले खोल दिया, एक के साथ एक फ्री, पेटी के साथ पेटी फ्री। ये क्या देश बना रहे हैं कि बर्बाद कर रहे हैं? जी जी, हर गली में दारू पी के बेहोश पड़ा रहते हैं लड़के, कोई गली ऐसी नहीं है, हर गली में, हर गली मोहल्ला, जहाँ कोई मोहल्ले में कोई क्लिनिक बना रखा। रुको भाई रुको रुको, तमाशा नहीं, रुको एक मिनट। क्लिनिक कम है और ठेके ज्यादा है, क्लिनिक कम ठेके ज्यादा, और पेटी के साथ पेटी फ्री, बोतल के साथ दो दो बोतलें फ्री। कहाँ से आई है माता जी? नमस्ते, कहाँ से आई है? मैं दिल्ली से ही आई हूँ सर। दिल्ली में कहाँ रहती हैं? मैं रहती हूँ नेबसराय। नेबसराय में? और मैं एक बात बोलने आई हूँ आपसे। जी मुझसे बोलने आई है? हाँ, बोलिए, जरूर बोलिए। ये सर रोहिंग्यों का कब बनेगा? रोहिंग्या? हाँ, रोहिंग्यों के लिए। हाँ। सेंटर कब बनेगा? रोगियों के लिए, रोहिंग्यों के लिए, रोगियों, रोहिंग्या, रोहिंग्या, रोहिंग्या जो हमारे देश में बहुत बाढ़ रहे हैं। अच्छा, वो जो रोहिंग्या, उनके लिए सेंटर कब बनेंगे सर? सेंटर? हाँ, इतने दिन हो गए, सेंटर बनेगा, सेंटर बनेगा, अभी तक सेंटर, रोहिंग्या का सेंटर नहीं बनेगा, इसलिए आप आई हैं? हाँ, कहाँ की रहने वाली हैं आप? सेंटर बनाना है रोहिंग्या के लिए। हाँ, और इनके लिए नहीं बनाना है? ये जो रुको, खड़ा रहो चुपचाप, बहुत ज्यादा काबिल बनने की जरूरत नहीं है। आप रोहिंग्या की बात कर रही हैं, इनके लिए पहले पूजा जी के लिए अस्पताल बने कि ना बने? इनके लिए भी, इनके लिए भी क्या, पहले इनका बने कि बाद पहले रोहिंग्या का बने? पहले रोहिंग्यों का, पहले रोहिंग्या का बने। माता जी मैं वैसे अमूमन बात कहता नहीं हूँ और बहुत सावगोई के साथ बात कहता हूँ, लेकिन मैं आपके बात बहुत सावगोई के साथ कह रहा हूँ, पहले पूजा जी के लिए बनेगा, बाद में रोहिंग्याओं के लिए बनेगा, और बनेगा नहीं बनेगा रोहिंग्या के लिए ये तय करेंगे, ये भी तय करेंगे, जरूरी नहीं है, लेकिन पहले पूजा के लिए बनेगा, पहले जुबैर के लिए बनेगा, पूजा के लिए बनेगा, अखलाक के लिए बनेगा, राशि धर्मशाला तो नहीं है ना? बिल्कुल धर्मशाला थोड़ी है, इंडिया धर्मशाला थोड़ी है।
कि हर स्टेट से हर 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 कंट्री से आके यहाँ बसे अपना घर बनाए रहे। अरे हमारे जुबेर के लिए देखिए मानवीय संवेदनाएं बहुत है हमारे अंदर, एक राष्ट्र के अंदर, एक प्रभावशाली राष्ट्र के अंदर जिसकी दृष्टि विश्व पटल पर हो उसके अंदर ये सारी चीजें होनी चाहिए, मानवीय दृष्टिकोण। लेकिन हमारे जुबेर का अस्पताल में इलाज ना हो पाए और बाहर से आके शरणार्थी का पहले इलाज हो, ये नहीं होगा। पहले होगा रोहिंग्या, नहीं पहले होगा जुबेर का इलाज, पहले होगा रोहिंग्या हटना चाहिए देश में से, क्योंकि रोहिंग्या के वजह से देश टुकड़े होने के कगार में है। अभी जहाँ जहाँ पर उनका संख्या है वो लोग तो हिंदुओं को हत्या कर रहे हैं, मार रहे हैं। अपना हिंदुओं का जो संसाधन है उसका पहला हकदार वही बन रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, पहला हकदार हिंदुस्तान का आदमी। आप वेस्ट बंगाल जाइए, उड़ीसा जाइए, आसाम जाइए, आसाम का परिस्थिति अभी अलग हो रहा है। अभी वेस्ट बंगाल का स्थिति क्या है, अभी वेस्ट बंगाल का स्थिति देखेंगे तो हम हिंदू कहाँ भागेंगे। अभी भाग रहे हैं ना हिंदू, हजारों साल से हम लोग भाग रहे हैं, कहाँ जाएंगे अभी हम कहाँ जाएंगे। माता जी सुना आपने आप रोहिंग्या की बात कर रही थी कि उनके लिए स्थान बने, अस्पताल बने, जुबेर अपनी बात कर रहे थे और वो कह रहे थे मैं कहाँ जाऊंगा। ये मुल्क की आबादी 130 करोड़ है और 130 करोड़ आदमी में हर इंसान को ये राइट है, हर आदमी को ये राइट है। मैं टैक्स देता हूँ, जुबेर टैक्स देते हैं, जीएसटी की बात कर रहे थे, ये पहला राइट ये है कि उस बच्चे को पहले अस्पताल में इलाज बनाने का मेरे अधिकार हो, मेरा पैसा वहां लगे। इसलिए आपने बात कही, बात सुनी तो मैंने और रिएक्ट भी मैंने उसी तरह से किया जैसे करना चाहिए एक प्रभुता संपन्न राष्ट्र को और उसके 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 निवासियों को। लेकिन राइट जो है पहला वो जुबेर का है, अखलाक का है, पूजा का है, सीता का है, उसके बाद उसका है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद लौटूंगा, इनका परिचय कराऊंगा जो कि सामने बैठे। राजा राम प्रतीत पावन सीता राम। अरब के बीच कच्चे तेल का कारोबार, यूक्रेन से युद्ध की वजह से पश्चिमी देशों के आर्थिक प्रतिबंध झेल रहा रूस भारत को कम दाम पर तेल बेच रहा है। इसके बाद भी भारत ने सऊदी अरब से तेल लेना बंद नहीं किया। आंकड़ों के मुताबिक भारत अपनी जरूरत का 18% कच्चा तेल सऊदी अरब से आयात करता है। यही नहीं, भारत की जरूरत की 30% LPG भी वहीं से आती है। इसके साथ ही सऊदी अरब भारत का चौथा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर। पिछले कुछ सालों में दोनों देशों के बीच कारोबार एक नई ऊंचाई पर पहुंचा है। माना जा रहा है कि भारत और सऊदी अरब के बीच मजबूत होते रिश्तों ने पाकिस्तान को चिंता में डाल दिया है और इसी वजह से वहां के पूर्व राजनयिक अब्दुल बासित पाकिस्तान को आंखें खोल कर रखने की नसीहत दे रहे हैं। असल में सऊदी अरब पाकिस्तान के ज्यादा करीब माना जाता था, लेकिन जब सऊदी अरब में मोहम्मद बिन सलमान क्राउन प्रिंस बने और पाकिस्तान में इमरान खान की सत्ता आई तो दोनों देशों के बीच रिश्तों में तल्खी देखी गई। इसके बाद भी पाकिस्तान की खस्ताहाल अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए सऊदी अरब ने वहां कई बार निवेश किया, लेकिन बिगड़े रिश्तों की वजह से पाकिस्तान को इसके लिए भी लगातार गुहार लगानी पड़ी थी। यानी सऊदी अरब ने न चाहते हुए भी उसकी मदद की। अब अगर भारत के साथ सऊदी अरब के रिश्ते और मजबूत हुए तो आतंक को पनाह देने वाले पाकिस्तान को झटका लग सकता है, सऊदी अरब और उसके बीच की खाई बढ़ सकती है। उधर उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया जिसमें एक ई रिक्शा बीच सड़क पर पलट गया। हादसे के बाद गुस्साए लोगों ने जमकर हंगामा किया, जिसका एक वीडियो भी सामने आया जिसमें कुछ बच्चे सड़क से गुजरते दिखाई दिए। तभी पीछे से आ रहा एक ई रिक्शा भी नजर आया जिसमें कुछ बच्चे बैठे हुए दिखाई दिए। अचानक तेजी से आगे बढ़ रहा ई रिक्शा बीच सड़क पर पलट गया और उसमें बैठे बच्चे उसके नीचे दब गए। इस दौरान आसपास मौजूद लोगों ने ई रिक्शा को सीधा किया और बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। इस हादसे में कई बच्चे घायल हो गए, जिससे गुस्साए लोगों ने सड़क पर जमकर हंगामा किया। उन्होंने आरोप लगाया कि कई बार शिकायत करने के बावजूद उनके इलाके की सड़क की मरम्मत नहीं की गई, जिसकी वजह से वहां पहले भी इस तरह के हादसे हो चुके हैं। हालांकि घटना की जानकारी मिलने के बाद वहां इलाके के पार्षद इंडिया का प्राइड, मेरा प्राइड, वीकेसी प्राइड, कड़ी मेहनत का जश्न मनाइए। लगातार बना हुआ देश का नंबर वन न्यूज चैनल काफी पीछे छूटा आज तक, दर्शकों ने खबरों के लिए न्यूज 18 इंडिया पर जताया भरोसा। एसईओ समिट में शामिल होने के लिए कुछ देर में उज्बेकिस्तान के लिए रवाना होंगे पीएम मोदी। समरकंद से न्यूज 18 इंडिया पर देखिए सबसे बड़ी कवरेज।
दिल्ली सरकार की आबकारी नीति के खिलाफ बीजेपी ने जारी किया एक और वीडियो। आम आदमी पार्टी पर लगाया भ्रष्टाचार का आरोप। सिसोदिया बोले स्टिंग सही तो 14 दिन में करे गिरफ्तार। मोहर लगा दी और वहां तेल के दाम 30% तक बढ़ गए, जिसके बाद पेट्रोल की कीमत 67 सेंट प्रति लीटर यानी भारतीय रुपयों के हिसाब से करीब 54 रुपए और डीजल की कीमत 46 सेंट यानी 37 रुपए प्रति लीटर के करीब पहुंच गई, जिस पर वहां की जनता का गुस्सा फूट पड़ा। इसके बाद कुछ प्रदर्शनकारी तो रैली निकालते हुए सरकारी दफ्तरों को घेरने पहुंच गए, जिनसे सड़कें जैम हो गईं। वहीं एक जगह पर तो लोगों ने एक दफ्तर का लोहे का गेट ही उखाड़ लिया। बताया गया कि वहां तेल के बढ़े दामों का असर सबसे ज्यादा छात्रों और मजदूर वर्ग पर पड़ेगा, इसलिए इसके खिलाफ जनता पूरे जोर शोर से विरोध जताने के लिए सड़कों पर उतर आई। इस बीच खबर है कि अमेज़न के मालिक जेफ बेजोस की एयरोस्पेस कंपनी ब्लू ओरिजिन का अंतरिक्ष मिशन फेल हो गया। दावा किया गया कि जिस रॉकेट को अंतरिक्ष में जाना था वो उड़ान भरने के कुछ सेकंड बाद ही जमीन पर आ गिरा, जिसके पीछे की वजह उसमें आई तकनीकी खराबी को बताया गया। असल में ब्लू ओरिजिन के इस रॉकेट को अंतरिक्ष की सतह तक जाना था, जिसने तय वक्त पर आग उगलते हुए उड़ान भरी और हवा में कुछ मीटर उड़ने तक उसमें कोई दिक्कत नजर भी नहीं आई, लेकिन चंद सेकंड के बाद उसने आगे बढ़ना बंद कर दिया और वो जोरदार रफ्तार से जमीन की तरफ आने लगा, जिसके बाद उसमें लगे छोटे पैराशूट खुल गए। बताया गया कि मिशन न्यू शेफर्ड प्रोग्राम का एक हिस्सा था, जिसके तहत जेफ बेजोस की कंपनी लोगों को अंतरिक्ष की यात्रा कराने वाली है, लेकिन उसका पहला ही मिशन बुरी तरह फेल हो गया, जिसमें रॉकेट इतनी ऊंचाई से गिरा कि पहले छोटे पैराशूट और फिर बड़ा पैराशूट खुलने के बावजूद उसे संभाला नहीं जा सका और वो तेज रफ्तार से आकर सीधा जमीन पर गिरा। हालांकि गनीमत की बात यह रही कि हादसे के वक्त उसमें कोई मौजूद नहीं था। उधर उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों के लोग आपस में भिड़ गए, जिसमें कई लोग घायल हो गए। बाद में मारपीट की इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें दोनों पक्षों के लोग एक दूसरे पर लात और घूंसों की बरसात करते दिखे। मारपीट से पहले कुछ लोग वहां बन रहे एक मकान की दीवार तोड़ते नजर आए। इस दौरान दूसरे पक्ष के लोग दीवार तोड़ रहे लोगों का मोबाइल फोन से वीडियो बनाते रहे, तभी पास में खड़े एक आदमी ने उन पर हमला कर दिया। जैसे ही उस आदमी ने वीडियो बना रहे लोगों से मारपीट शुरू की, वहां मौजूद उसके दूसरे साथी भी उन पर टूट पड़े। कोई उन्हें लातों से मारता दिखा तो कोई उन्हें जमीन पर गिराकर घूंसे मारता नजर आया, जबकि एक आदमी डंडा लेकर उन पर ताबड़तोड़ प्रहार करता रहा। हालांकि किसी तरह वो दोनों वहां से भाग निकले, जिससे उनकी जान बच गई। इस घटना के बाद एक पक्ष की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी। पश्चिम बंगाल के कई शहरों से हजारों बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कोलकाता की तरफ कूच किया। इस दौरान कई जगहों पर बीजेपी कार्यकर्ताओं की पुलिस से झड़प हो गई और बीजेपी के नबान्न अभियान में जमकर हंगामा हुआ, जिसकी सबसे भयावह तस्वीरें हावड़ा से सामने आई, जहां प्रदर्शनकारियों पर पुलिस बल ने पानी की जबरदस्त बौछार की। बीजेपी कार्यकर्ताओं को सीएम ममता बनर्जी के दफ्तर की तरफ बढ़ने से रोकने के लिए पुलिस ने पूरी जान लगा दी। पानी की इतनी तेज धार पड़ने के बावजूद प्रदर्शनकारी वहां से हटने को तैयार नहीं हुए। उन्होंने भी सीएम दफ्तर का घेराव करने की ठान रखी थी, ऐसे में उन्हें वहां से हटाने की पुलिस की सभी तरकीबें फेल होती दिखी। वहीं पर अब भी देखिए जो तस्वीरें सामने आ रही है, वाटर कैनन पुलिस का वो लगातार चल रहा है। बीजेपी कार्यकर्ता वहीं डटे रहे और इन हालात में भी उन्होंने बैरिकेडिंग पार करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस भी इतनी आसानी से कहां पीछे हटने वाली थी। पानी की बौछार करने से भी जब प्रदर्शनकारी वहां से नहीं हटे तो उन्हें खदेड़ने के लिए पुलिस वालों ने दूसरे हथकंडे अपनाने शुरू कर दिए। असम में शांति के लिए केंद्र सरकार की बड़ी पहल, 8 आदिवासी समूहों के साथ हुआ ऐतिहासिक समझौता। गृह मंत्री अमित शाह के साथ असम के मुख्यमंत्री भी रहे मौजूद। लखीमपुर खीरी कांड में योगी सरकार की पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन, महज 12 घंटे में सभी आरोपियों को किया गिरफ्तार। 8 चीतों को भारत लाने के लिए नामीबिया पहुंचा एयर इंडिया का विशेष विमान बोइंग 747 से पीएम मोदी के जन्मदिन पर भारत पहुंचेंगे सभी चीते। और वहां के हालात इस कदर बिगड़ गए कि पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेना शुरू कर दिया। इस हंगामे के दौरान हावड़ा पुलिस ने एक प्रदर्शनकारी को खूब पीटा, उसकी लाठियों लात और घूंसों से जमकर पिटाई की गई, लेकिन वो आदमी भी पुलिस के सामने सिर झुकाने को तैयार नहीं हुआ। इस बीच उसे बचाने के लिए एक महिला बीच में आ गई और उसे पुलिस वालों से दूर ले गई। इसी तरह कई जगहों पर प्रदर्शनकारियों की पुलिस से झड़प हुई।
इस दौरान बीजेपी के कई कार्यकर्ता जख्मी हो गए, लेकिन पुलिस भी पीछे नहीं हटी और प्रदर्शनकारियों को सड़कों से भगाने का काम जारी रखा। हालांकि ये बवाल नहीं थमा। सीएम दफ्तर का घेराव करने निकले बीजेपी कार्यकर्ताओं ने राजधानी कोलकाता की सड़क पर खड़ी कुछ गाड़ियों में आग लगा दी, जिस वजह से यह हंगामा पहले से ज्यादा उग्र हो गया, क्योंकि प्रदर्शनकारियों ने गाड़ियों को आग लगाकर फूंक डाला। कोलकाता में बीजेपी के दो बड़े नेताओं शुभेंदु अधिकारी और लॉकेट चटर्जी के नेतृत्व में बीजेपी के नवान्न अभियान ने रफ्तार पकड़ी, जिस पर पुलिस ने बीच रास्ते में ही ब्रेक लगा दिया। शुभेंदु अधिकारी बीजेपी के तमाम कार्यकर्ताओं के साथ सीएम दफ्तर का घेराव करने निकले, लेकिन पुलिस ने बैरिकेडिंग कर उन्हें रोक दिया, जिस पर उनका गुस्सा भड़क गया। जब काफी कोशिश के बाद भी पुलिस वालों ने उन्हें वहां से आगे बढ़ने नहीं दिया तो वो भी वहीं डटे रहे, लेकिन कुछ ही देर बाद जब बीजेपी कार्यकर्ताओं ने शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में कदम आगे बढ़ाने शुरू किए, तब पुलिस भी एक्शन मोड में आ गई और उसने वहां से प्रदर्शनकारियों को खदेड़ना शुरू कर दिया। इन हालात में वहां भगदड़ मच गई। इस दौरान कई लोगों को गंभीर चोटें भी आई और सामने आई तस्वीरों में एक महिला सिर पर चोट लगने के बाद बेसुध नजर आई। एक आदमी तो बेहोश होकर ही सड़क पर गिर गया, जिसे वहां मौजूद दूसरे प्रदर्शनकारियों ने संभाला। ऐसे में शुभेंदु अधिकारी ने ममता सरकार पर तानाशाही का आरोप लगा दिया। ममता लेडी किम नॉर्थ कोरिया बनी दिए छे पश्चिमबंग के। बिगड़ते हालात को देखते हुए पुलिस ने शुभेंदु अधिकारी को जबरन हिरासत में ले लिया, लेकिन ममता सरकार के खिलाफ उनके तेवर फीके नहीं पड़े। शुभेंदु अधिकारी के अलावा बीजेपी सांसद लॉकेट चटर्जी को भी हिरासत में लेकर पुलिस थाने ले गई और इसी तरह बीजेपी के कई नेताओं और कार्यकर्ताओं को अलग अलग जगहों से हिरासत में लिया गया। इसके बावजूद ममता सरकार के खिलाफ हो रहे इस प्रदर्शन की आग पूरे राज्य में फैली दिखी, जिनमें आसनसोल भी शामिल है। वहां के रानीगंज रेलवे स्टेशन में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने घुसने की कोशिश की तो पुलिस से उनकी झड़प हो गई। कोलकाता पहुंचने के लिए रेलवे स्टेशन में घुसने की कोशिश के दौरान एक बीजेपी कार्यकर्ता को पुलिस ने पकड़ लिया और उसे जबरन अपनी गाड़ी में बैठाकर थाने ले गई। कांठी में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कोलकाता की तरफ कूच करने के लिए रैली निकाली और जमकर नारेबाजी की। इसी तरह राज्य भर से बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता कोलकाता में मौजूद सीएम ममता बनर्जी के दफ्तर को घेरने के लिए निकल पड़े और जब रास्ते में पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो जमकर हंगामा हुआ। बीजेपी ने यह अभियान ममता सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए छेड़ा, हालांकि इसे राज्य सरकार की तरफ से मंजूरी नहीं दी गई थी। इस बीच राजस्थान के पुष्कर में एक कार्यक्रम के दौरान सचिन पायलट को सीएम बनाने की मांग पर गहलोत सरकार के मंत्री के विरोध में मंच पर जूते फेंके गए। वहां पुष्कर में गुर्जर समुदाय के नेता कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला के अस्थि विसर्जन कार्यक्रम के लिए एक महासम्मेलन बुलाया गया था, जिसमें गुर्जर समुदाय के हजारों लोग जुटे। पुष्कर में हुए इस महासम्मेलन में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत समेत राजस्थान सरकार के कई मंत्री भी शामिल हुए, लेकिन जैसे ही गुर्जर समुदाय से आने वाले मंत्री अशोक चांदना मंच पर भाषण देने के लिए आए, सामने भीड़ में खड़े कई लोगों ने जूते और चलो चले हम मिलकर फिर से एक शुरुआत करें, एक दूजे का हाथ थाम कर साथ चले। चलो चले हम मिलकर फिर से एक शुरुआत करें, चलो चले हम मिलकर फिर से एक शुरुआत करें, एक दूजे का हाथ थाम कर साथ चले। चलो चले हाँ चलो चले, हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो, हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो क्यों क्या तुम हो, एक दूजे का हाथ थाम कर साथ चले। चलो चले हम मिलकर फिर से एक शुरुआत करें, चलो चले। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। एक बार फिर से, हाँ तीन बार बोलना पड़ता, मैं तीन बार नाम पूछता हूँ और तीन ही बार कहा जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। वाह वाह, जब जहाँ करना हो वहीं करिएगा, अपनी तरफ से छौंक लगाने कोशिश ना करिए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ। जनता की पूरी बात मैंने सुनी एक आधे घंटा। मेरा मन तो ये है कि पूरे हफ्ते आप ही की बात सुने, लेकिन बुलाएं इनको जरूर, रोज इनको बुलाएं और हफ्ता भर बात उधर ही सुने। क्या विशाल जी, आपकी क्या राय है?
आई डू एग्री लोकतंत्र में जनता की आवाज तो सबसे सर्वप्रमुख है, तो उधर ही की बात सुनी जाए पहले। बिल्कुल सहमत हूँ जो मेरी बहन ने कहा, जो मेरे भाई ने कहा, बिल्कुल भी मैं सहमत हूँ। जो वहाँ की आवाज है वो सबसे पहले सुनी जानी चाहिए। हाँ तो ठीक है, फिर आज हफ्ता भर बोला अनुजा हाँ जी भारत जोड़ो यात्रा हम लोग यात्रा में चलते हैं, हम लोग भारत जोड़ो एक दूसरे को जोड़ते हुए हाथ जोड़ते हुए चलते हैं यात्रा में। बिल्कुल चलिए, हम भी चलेंगे आपके साथ। मैंने तो सब जिस दिन भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई उस दिन मैंने आपको शुभकामनाएं दी थी। बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। जब कोई जाता था यात्रा पे तो घर के सारे लोग जो यात्रा पे निकलते थे उनको शुभकामनाएं देते थे, तो मैंने भी शुभकामनाएं दी। लेकिन बात दरअसल ये है कि जो मेहमान आज मौजूद थे वो पूरा मान जाएंगे, उनको अभी कराना जरूरी है, तारुफ कराना जरूरी है। रंगरेज साहब बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। डॉक्टर विशाल बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। दिव्यांशु भाई बहुत बहुत शुक्रिया, सुप्रीम कोर्ट से हैं, एडवोकेट हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आसिफ भाई बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। डॉक्टर अजय कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अनुजा कपूर हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अनुजा बहुत समय से आती रही हमारे साथ। सुभाष जी मौजूद हैं उत्तर प्रदेश से, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। दयाशंकर जी मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। पंकज जी भी अब इधर उधर से इधर आ गए हैं। देखो कैसे कुछ कभी कभी भाग्य खराब होता है, हम वो इधर से इधर आए और हम उधर चले गए। जब तुम्हारा नंबर आया कि मैं पूछूं तो तुम उधर से इधर आके बैठ गए। जनता ने जो बात कही है, हम सोमपुरिया भाई ने जुबेर ने कही, बहन कहती है, जो बहन कह रही कि हम वोट किसको दें। आप जब वोट की बात आती है, जनता की जब सुनने की बात आती है, आप बहकाव में आ जाते हैं और ठगी अपने आप को खुद ठगा महसूस करते हो, बाद में पछताते हो। उस टाइम पर 10 दिन आप सोच समझ के वोट क्यों नहीं करते, तो किसको वोट दें? जैसे आप अपना मैनिफेस्टो सबका पढ़िए। हाँ। आप मैनिफेस्टो सभी पार्टियों पर पढ़ते हैं। आपने केजरीवाल जी एक बात कही, आप खा लेना सभी का वोट मुझे देना। आप लोगों ने उनकी बातों में आकर आपको ठगा ना उन्होंने, केजरीवाल ने ठगा। अब गंदा पानी आप लोगों को मिल रहा है, शराब के ठेके आपको मिल रहे हैं, अस्पताल में दवाइयां नहीं मिल रही। और जो आज की बात आपको लेटेस्ट बता दूं, सड़क बन रही है 6 लेयर की बनती है और 2.5 लेयर की बन रही है, और वहां पर मीडिया कर्मियों ने जनता ने वो स्टिंग पकड़ा है, कंझावला दिल्ली में कंझावला वहां पर पकड़ा है मनोज सिसोदिया जी का, जो कह रहे हैं। बैठिए, मैंने तो सोचा था जनता अपनी बात रखेगी। मैं अनुजा के पास जाता हूँ, अनुजा से बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। बीजेपी की प्रवक्ता हैं, स्टिंग ऑपरेशन पर बोला पाजी आ रहा हूँ मैं। देश में जो भी करेगा बीजेपी करेगा, हम अब योगी के वहाँ से आए हुए हैं। मैं तो आप डरा क्यों रहे हैं हमें आपकी योगी जी? डरा नहीं रहा हूँ सर, मैं डरा नहीं रहा हूँ। मैं गोरखपुर से आया ना, नौतनवा रहता हूँ नेपाल बॉर्डर पे। नेपाल बॉर्डर पे जी गोरखपुर में योगी जी का मैं वो एकदम फैन हूँ, योगी जी के फैन है ना। अच्छा, ऐसा कौन आदमी है देश में जो योगी जी का फैन नहीं है? हम भी तो हैं फैन, बहुत अच्छी बात है, हम बहुत फैन हैं उनके। ज्यादा बड़े हो हमने काम तो पाजी, आप पंजा लड़ा लेते, जो जीतेगा वही ज्यादा बड़ा फैन है। अरे कह रहे तुम भी फैन हो, हम भी फैन है। मैं बहुत बड़ा समर्थक। अरे तो तुम बहुत बड़ा बड़ा क्या होता है? बोले हम बोले सच बोलते हैं, तो बोले हम भी सच बोलते हैं, बोले हम कट्टर सच बोलते हैं। कट्टर से समझ गए तुम कौन है? कहाँ से आना हुआ? यूपी में कहाँ से? गोरखपुर से, बलिया से हो? दयाशंकर जी, क्या जी जी। हाँ। मैं आपके सवालों का जवाब देना चाहता हूँ। किनका? जुबेर भाई साहब का। उन्होंने कहा हिंदू मुस्लिम के लिए जगह कौन देता है? प्लेटफॉर्म तो आपने आप ही देते हैं, कहीं अंकिता मोहती, कहीं कोई योग मत है, कहीं किसी जुलूस पे हमला होता है, स्पेस तो आप लोग ही देते हैं ना, तो हिंदू मुस्लिम क्यों नहीं होगा? बंगला वही बात, अभी आपने भाई साहब ने कहा बंगाल की स्थिति, मैं बंगाल के लोकसभा घटा लोकसभा के केशपुर क्षेत्र से, जो सबसे सेंसिटिव क्षेत्र है, वहाँ से मैं भी आया हूँ। वहाँ पे स्थिति मेरे पास, मैं बताऊँ वहाँ पे कार्यकर्ता हूँ, मैं के बीजेपी कार्यकर्ता हूँ, वहाँ पे जो हिंदू बहुल क्षेत्र है। हाँ तो बोलो, वहाँ पे लोग मैं पैरालाइज कर दिया गया हाथ पैर से, वहाँ पे कोई देखने वाला नहीं। अभी जो बंगाल में, हाँ अभी जो कल कार्यक्रम हुआ है वहाँ पे हवा में घे के बमों से हमला हुआ है। कैसा बात करते हैं कि आप, हम बांग्लादेशी को घुसा कर सर्टिफिकेट दिया जाएगा उन लोगों को? जो बांग्लादेशी हैं प्योर बॉर्डर वाले, वो एंट्री ले लिए हैं। और दूसरी बात ये, जो जिनको बसाने की बात आप कर रहे थे, क्या नाम? रोहिंग्या, वो उनके दामाद हैं। नहीं बसाने की बात नहीं कर रही है, हम ये कह रहे हैं रोहिंग्या अपने अपने घर जाए, रोहिंग्या अपने घर, वो कह रही है ना। हाँ ठीक, अनुजा जी, रुको भाई,
अरे आज कुछ तो बोल लेंगे इन लोगों को, नहीं तो ये कहाँ जाए इनके घर में मालूम है, ये अगर बगैर बोले चले गए तो घर वाले फिर कहेंगे जाओ यहाँ पे बोल के आओ, ये बगैर इनका खाना ही नहीं हजम होता जब तक ये 10 घंटा रोज नहीं बोल लेते। कौन? प्रवक्ता दयाशंकर, चुपचाप बैठो, आ रहा हूँ जी, रुको। हाँ जी अनुजा, मुद्दा बोलो। अरे मुद्दा बोलो ना, मुद्दा रुको 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 रुको। आज का ये है कि अरविंद केजरीवाल जो बहुत बड़ा भैरूपिया है और जिस करप्शन से इन्होंने पूरी दिल्ली के टैक्स पेयर्स का पैसा अपनी जेब में डाल लिया है, उससे बड़ा भैरूपिया एक्सटॉर्शन मनी एक्सटॉर्ट करने वाला आदमी मैंने नहीं देखा। मनी हाइस्ट है, मनी हाइस्ट, इस तरीके का मनी हाइस्ट हो रहा है दिल्ली में। आपको मैं अगर बताऊं तो आप सुने, अगर हम एजुकेशन स्कैम से रिलेटेड बात करें तो ₹326 करोड़ इस आदमी ने अंदर किया। अगर हम लिकर स्कैम से बात करें तो ₹500 करोड़ पंजाब की आईडीआई की जांच होती है, वहाँ कुछ नहीं मिलता तुम्हारे पास, सिर्फ इल्जाम लगाने के लिए। 2500 करोड़ रुपया लिकर स्कैम के अंदर इस आदमी ने अंदर किया। अगर हम हेल्थ से बात करते हैं तो ₹1256 करोड़ इस आदमी ने अंदर किया और 9000 करोड़ रुपया एडवर्टीजमेंट के अंदर। गुजरात, आप पंजाब, दिल्ली में हर जगह पर इस आदमी ने काम उसी तरीके से करते हैं। पर सबसे बड़ी बात, जो आदमी ये कहता रहा कि मैं तो कभी भी बड़ी बड़ी गाड़ियां नहीं लूंगा, सिक्योरिटी नहीं लूंगा, आज अहमदाबाद के अंदर अहमदाबाद का रेस भैरूपिए ने वहां पर जाकर अरविंद केजरीवाल जी ने ऑटो ड्राइवर के अंदर वहां पर बैठकर उसके घर पे खाना खाया। क्या कभी दिल्ली में खाया? कितने ऑटो ड्राइवर थे यहाँ पे बताइए मुझे। जहाँ चपके थे वहीं बैठ जाओ चुपचाप। बीजेपी की प्रवक्ता ने 3 बार बहुरूपिया शब्द का इस्तेमाल किया, 1 बार अरविंद केजरीवाल जी का इस्तेमाल किया, जो लास्ट वाला है अरविंद केजरीवाल जी वो पहले 3 बार जो बहुरूपिया बोला उस जगह वही बोला जाएगा, यानी अरविंद केजरीवाल जी, अरविंद केजरीवाल जी, अरविंद केजरीवाल जी। कोई भी निर्वाचित मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, मैं अपने शो से अलाउ नहीं करता, नहीं करता, नहीं करता, नहीं करता, इसलिए क्योंकि इनका भी वोट वहीं पड़ा था, इनका भी वोट पड़ा, पार्टी कोई और हो सकती है, लेकिन लोकतंत्र में जो मैं विश्वास, वो जो थे खड़े थे ना, मैं इसीलिए हट गया था वहां से कि लोकतंत्र की दुहाई यही है कि बहुरूपिया शब्द इस्तेमाल नहीं करेंगे। बाकी आप कर लीजिए, आप बहस करिए, ये बात सच है कि यहाँ अब 27 गाड़ियों का काफिला चलता है, 27 गाड़ियों का काफिला चलता है, और सबसे बड़ी बात है 250 सिक्योरिटी गार्ड्स जहाँ पर जेड सिक्योरिटी। और अहमदाबाद में, अहमदाबाद में आप ऑटो में घूमते हैं, ये बात आपकी ले ली मैंने। देखिए प्रतीक जी, एक देश में एक ऐसा नेता है, सुन ले दर्शक आज जितने भी यहाँ खड़े हैं, जो कहता है CBI ED भेजो मेरे पास, मेरे पास कुछ नहीं है, और बाकायदा ये हुआ। देखिए अरविंद केजरीवाल के घर पर रेड पड़ी, कुछ नहीं मिला, मनीष सिसोदिया के घर पर रेड पड़ी, कुछ नहीं मिला, अब क्या स्ट्रिंग ऑपरेशन, इन्हें कुछ नहीं पता, इन्हें सिर्फ लोगों का भ्रमित करना है। सत्येंद्र जैन जी ऐसे अंदर बैठे हुए हैं मनीष सिसोदिया के ऊपर, जो हमारे CM है, डिप्टी CM इनको माना जाता है, क्या उनके डिप्टी में क्यों नहीं, अगर 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 CM, अगर डिप्टी CM ने जो घपला किया है, क्या उसका सामने सामने सारा कुछ नजर नहीं आ रहा? आज आप ये बताइए, मनीष सिसोदिया के पास भ्रष्टाचार का क्या प्रूफ आपके पास मिला है? आज आप बताइए, आरोप मत लगाइए, सबूत दिखाइए, सबूत, आरोप मत लगाइए, सबूत दिखाइए। आप तो कांग्रेस के हैं ना, आप क्यों चल रहे हैं? क्योंकि CBI आपके ऊपर भी है, ED आपके ऊपर भी है, हम ईमानदार लोगों के साथ हैं। अरे सोनिया गांधी को बताइए जाके। आज लगता मैंने घुट्टी बड़ी जबरदस्त दे दी है, करे मैं ईमानदार लोगों के साथ, ईमानदार लोगों के साथ रहे ना, मेहरुद्दीन रंगरेज ईमानदार लोगों के साथ ही रहना, और जहां ईमानदारी की बात हो वहीं पर ईमानदारी की बात कहना। जी आया, आम आदमी पार्टी की यह आदत रही है, आम आदमी पार्टी की आदत रही है, वह स्वयं ही जज बने, स्वयं ही वकील बने, स्वयं ही पुलिस, स्वयं ही जज, हर कुछ स्वयं, खुद ही अपने आप को क्लीन चिट देते हैं।
इनका ही कहना था कि आप स्टिंग करिए, व्हाट्सएप पर भेजिए और मैं उस पर एक्शन लूंगा। आज जब स्टिंग हो गया और जब आपके खिलाफ कोई बोल रहा है, कहाँ गई वो जांच, कहाँ गई वो एक्शन, कहाँ गई वो? नहीं नहीं नहीं, आप थोड़ा हल्का बोले, मैं बोलता हूँ। अरे जाना और मोबाइल से स्टिंग कर लेना। अब जब पड़ गई उल्टी तो आप क्या कह रहे हैं? नो 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 नो, चुपचाप खड़े रहो, बैठ जाओ चुपचाप। मैं आया ऑटो वाले, अरे ऑटो वाले भैया तो बातें नहीं करनी आज हमें। जी कांग्रेस प्रतीक जी, बड़ा मजेदार आज का आपका शो रहा है। वाकई बहन पूजा, भाई जुबेर, ये जो है पूरे देश का जो भावना है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं और आपका ये कार्यक्रम भी जनता के लिए होती है। आपको और बताएं, ये बहुत अच्छा लगा मुझे। मोदी जी जो भक्त थे वो भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनका भी अपना है और उसको नकार नहीं सकते। उनकी जो जबरदस्त फॉलोइंग है उसको नकारना, अपने आगे अपने मतलब आप अपने आगे पट्टी बांध लेना है, बिल्कुल नहीं। अगर वो मोदी भक्त है तो कह रहा है मैं मोदी भक्त हूँ और वो इस बात को स्वीकार करिए और इस बात को आगे बढ़िए। जाकिर अब आप आगे बढ़िए। बहुत अच्छा कहा, जो मोदी भक्त है वो मोदी भक्त है और उनको सब लोग जानते हैं कि वो मोदी भक्त है। आगे देश में जो है आज जिस तरह से अभी बात हुई बहुरुपये की, तो मैं भी नहीं कहूंगा किसी भी जनप्रतिनिधि को बहुरुपया कहा जाए, लेकिन ये रूप बदलने की कला सीखी किससे है? अरविंद केजरीवाल जी ने। अभी वाशिंग पाउडर जो है रखा हुआ है एक कार्यालय में, जिस दिन वो चले गए वहाँ उस दिन वो जो है वाशिंग पाउडर में धुल जाएंगे और फिर उन पर कोई अपराध, कोई उन पर कोई नहीं रहेगा। वो कट्टर से कट्टर ईमानदार हो जाएंगे। आजकल एक नया मशीन है भाजपा कार्यालय में और जिस तरह से ये ऑटो वाले को, एक तो बड़ा अच्छा एक्टर है वो, जानते हैं अरविंद केजरीवाल जी अभी गुजरात गए थे, अरविंद केजरीवाल जी गुजरात गए थे, मैं बीच में नहीं आया, मैं आया नहीं हूँ बहन जी, मैं आया नहीं हूँ आपके पास। चिल्लाने का काम नहीं है, चिल्लाने का काम नहीं है, अहंकार बोल रहा है, मोदी जी का अहंकार बोल रहा है और आपका अहंकार बोल रहा है। अहंकार में मत आइए, हम सड़कों पर हैं, हम देश में पैदल यात्रा कर रहे हैं, देश को जोड़ने का काम कर रहे हैं और आप ईडी के साथ खड़े हैं, आप सीबीआई के साथ खड़े हैं, आप करप्शन के साथ खड़े हैं। कांग्रेस को भी पीछे छोड़ दिया आम आदमी पार्टी ने, तो कांग्रेस को भी पीछे छोड़ दिया। आप समझिए कि आम आदमी पार्टी जब ऑटो ड्राइवर्स के पास जाकर गई और दिल्ली में नहीं गई और जब ये बात करती है हमें सिक्योरिटी नहीं चाहिए, मैं सिक्योरिटी नहीं लूंगा और दिल्ली से भी जेड प्लस और पंजाब में भी जेड प्लस, मेरे अहमदाबाद में भी फोन करवा दिया कि मैं जब जाऊंगा ना तो मुझे सिक्योरिटी चाहिए। जब मैंने आम आदमी पार्टी पर जब प्रश्न करना शुरू किया तो कैसे भाजपा के लोगों के पेट में दर्द आजकल हो जा रहा है। आश्चर्य लगता है, कौन सी ये कौन सा खेल है, ये पूरा देश देख रहा है। सरकार तो आपने बनाई थी, सरकार तो आपने बनाई थी, हमारी गलती थी ऐसे लोगों से, ऐसे बहुरुपये को जो यार तुम बात, यार तुम ये बताओ ज्योतिष, तुम नजूमी हो क्या? नजूमी हो, नजूमी माने होता है ज्योतिषी, तुम नजूमी हो क्या? अरे तुम कैसे कहते हो कि सारे लोग एक ही जैसे हैं, कांग्रेस हो बीजेपी हो चाहे कोई पार्टी हो, सब एक ही जैसे हैं। मिलेंगे भी, हाथ मिलाएंगे एक दूसरे से और अच्छा। यहाँ से निकलेंगे ना और ऐसे मिलेंगे, बिछड़े सनम मिले हो, बिछड़े सनम जैसे ऐसे, और कहाँ हो, 8 दिन बाद शो आया है, अभी सारे मिलेंगे एक जगह। कैसे मिलेंगे? बिछड़े सनम की तरह। कैसे मिलेंगे और कैसे हो, कहाँ हो? नहीं नहीं, देखिए इस देश में वैचारिक लड़ाई है, हमारी वैचारिक लड़ाई है और मुझे भी अच्छा नहीं लगता है किसी को इस तरह का शब्द उपयोग करें। और व्यक्तिगत संबंध सबके सबसे होते हैं, कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम जरूर हो सकती है, लेकिन हमारी लड़ाई वैचारिक है। आजकल फुल पॉइंट वाले ज्यादा परेशान है देश में, जलन ज्यादा हो रही है। नहीं नहीं नहीं, हम जोड़ने का काम देश में कर रहे हैं, किसी पे आक्षेप नहीं, आक्षेप नहीं, आक्षेप मत करिए, स्वस्थ राजनीति करिए। तो आपकी भी बात, मैं बह रहा हूँ आपकी बात कर, नहीं नहीं मेरी बात कर रहे हैं आप, मुझे मालूम है। देश में जो है परेशान नहीं होइए। हाँ, एक जो बात कर रहा था, दो मिनट महान, दो मिनट सिर्फ 10 सेकंड महान। मैं उन केजरीवाल साहब पर बोल रहा था, केजरीवाल साहब पंजाब गए थे, एक ऑटो वाले को खड़ा कराया, भैया मेरे यहाँ खाना खाने आना, मैं अकेले नहीं आऊंगा, ये चड्ढा साहब भी आएंगे और ये चोपड़ा साहब भी आएंगे। अच्छा, सेम गुजरात में गए, भैया मेरे यहाँ खाना खाने आना, वहाँ भी सेम स्क्रिप्ट। अच्छा, अगर वो जा रहे हैं खाना खाने तो आप नहीं जाते किसी की झोपड़ी में बैठ गए जाके खाना खाने लगे, तो क्या हुआ? लेकिन ये दिखावा नहीं करते चुनाव में, नहीं ये हम दलित समाज को सही में सम्मान देने के लिए आदिवासी कानून। अच्छा, आप करें तो अच्छा, करें नाटक।
हमने असंगठित मजदूरों के लिए कानून बनाया 2013, रेड़ी पटरी कानून 2013 में लाया। ये सरकार आज भी यहाँ लोगों को नहीं देने देती है। यहाँ पे रेड़ी पटरी यदि हो उसको अभी भी भगाने का काम एमसीडी करती है भारत की सरकार। ये देश के साथ हम गरीबों के साथ रहे, हम दिखाए। आप एक बात बताए, जो स्कीम्स मोदी जी लेकर आए हैं क्या उससे आम जनता खुश है कि नहीं है? क्या आप वैक्सीनेशन से आप खुश थे कि नहीं थे? उस दौरान पर कांग्रेस अगर होती उस वक्त सरकार में तो क्या ये अपना पेट नहीं भरती? क्या उस दौरान पे भी शीला दीक्षित जी के करार के टाइम पर भी करप्शन कितना हाई था? आज आम आदमी पार्टी एक करप्ट से दूसरी करप्ट, एक के बाद दूसरी करप्ट आके खड़े हो गए हैं। अरे आम आदमी पार्टी ने अपनी दोनों जेबें भर डाली। अरे बच्चों से पूछो जो बिलखते रहे, कोरोना के टाइम पर भी आम आदमी पार्टी क्या कर रही थी? देखिए देखिए, बीजेपी को समझना पड़ेगा कि वो सत्ता पक्ष में है। अभी भी वो कह रहे हैं कि भाई आम आदमी पार्टी जेब भर रही है, तो जेब भर रही है फिर केंद्र में आप क्या कर रहे हैं? दिल्ली में साथ साथ आपके सांसद हैं, आपकी सीबीआई क्या कर रही है? आपकी ईडी क्या कर रही है? केवल केस दर्ज कर रही है सीबीआई और ईडी। अरे सीबीआई आपकी है, आप पंडित जी बैठो यार। हेलो हेलो भाई, हेलो सामने। आज बहुत बढ़िया हुआ शो, आज आपने वास्तव में शो किया है। बाकी रोज दिन हम जो है बहुरूपी एक तरह नाटक करते हैं, आज ही हमने शो किया। रुको एक मिनट बहन जी, आगे कोई कहाँ से आना हुआ बहन? दिल्ली से। दिल्ली से क्या करती हैं आप? पीएचडी का विषय क्या है आपका? हिंदी। और उसका विषय, उसका जो सब्जेक्ट है वो क्या है, उसका विषय क्या लिया? सर प्रेमचंद की कहानियों पे है, हिंदी उर्दू कहानी पे। प्रेमचंद की कहानियों से हिंदी उर्दू कहानियों का आलोचनात्मक अध्ययन। हिंदी उर्दू कहानियों का आलोचनात्मक अध्ययन। अध्ययन बहुत अच्छा विषय है ये। और कभी किसी दिन आके बोलिए, और मुझे वो ईदगाह कहानी याद आई, वो मेरी फेवरेट कहानी है, मेरी फेवरेट कहानी है। वो सब लोग लेने गए तो वो जो बच्चा था वो लेके आया चिमटा, क्या लगा मेरी दादी के उंगलियां जल जाती हैं, है ना? और वो मंत्र कहानी बड़ी अद्भुत कहानी है। मैं आपको इनवाइट करता हूं, किसी दिन शो में आइए, जरूर आइए। लेकिन आज थोड़ा सा कंस्ट्रेन है टाइम का, लेकिन आपकी पीएचडी अच्छी हो, विषय के हो, लेकिन आइएगा जरूर। आज हिंदी दिवस कल अपने बनाया। लेकिन एक मिनट रुकिए, डॉक्टर साहब को बोलने, डॉक्टर विशाल जी प्लीज जी। देखिए एक चुने हुए लोकतांत्रिक सरकार की जनता के प्रति जिम्मेदारी होती है। आज अगर आरोप लगाए जा रहे हैं तो आरोप का जवाब आरोप नहीं होता, आरोप का जवाब तथ्यों के साथ काटा जाता है। अगर भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही है बार बार और तथ्यों के साथ सामने चीजों को ला रही है, सीबीआई जांच, सीबीआई की रिपोर्ट में भी चीजें आ रही हैं सामने, तो इसका मतलब भैया जी कुछ तो है। देखिए ये बात तो फैक्ट है कि बिना मतलब कुछ तो है। अब ये कुछ है, उस कुछ को वो एक्शन में नहीं आएगा ना, जांच चल रही है। अरे अरे फिर आप क्या बात करते हैं क्या? अब देखो, अब सुन लीजिए, अब ये तो अरे तो सीधी सी बात है, सीधी सी बात है। जो आरोप ये कौन, ये सिंपल सा आरोप, 144 करोड़ रुपया माफ, तो कोरोना काल का दुहाई दी जा रही है, तो आम आदमी का भी तो भैया जी माफ हो सकता था। ये ऑटो वाले भैया जी लोग खड़े, इनके भी तो गाड़ियां बंद थी, नहीं चल रही थी ना, इनका भी तो माफ हो सकता था। बताइए आप, ले फिर तो कहीं ना कहीं इसका मतलब कि माफ जो अब जी जी जो भी आप बात कर रहे थे विशाल जी, 11 लाख करोड़ रुपए पूंजीपतियों के भाजपा सरकार ने टैक्स पेयर के पैसे, इस जनता के पैसे माफ कर दिए, माफ कर दिए। अरे इनसे भैया कोई इनको कक्षा 9 की इकोनॉमी पढ़ा दो कि माफ करना और बेवकूफ करना क्या होता है। अरे भैया कोई पढ़ा दो इकोनॉमी की, माफ करना और बेवकूफ करना क्या होता है। ले आओ भैया, ले आओ ले आओ। बैंक जो माफ किए गए, जो कह रहे हैं माफ किया गया, वो पैसा बेवकूफ किया गया। इकोनॉमिक्स ना समझाएं यहाँ पर। कांग्रेस प्रवक्ता ने दो बातें कही, पहली कही भारत जोड़ो यात्रा पद यात्रा कर रहे हैं, किसी भी यात्रा का नाम बदलने से चरित्र नहीं बदलता, ये कांग्रेस जोड़ो यात्रा है। पहली चीज G23 में 23 ऐसे बड़े नेता हैं जो 11 प्रदेश से आते हैं, सारी नींव हिली हुई है कांग्रेस की, उसको जोड़ने का प्रयास है। G23 में जो नेता है 11 प्रदेश के हैं। दूसरी चीज आप कहते हैं रूप बदलने की बात, कपड़े के ऊपर जनेऊ पहनने का नाटक किसने किया? कितना दर्द है आज के डेट में
जब हम भारत जोड़ने की बात कर रहे हैं, देश में असमानता दूर करने की बात कर रहे हैं, देश में लोगों के साथ जो महंगाई और बेरोजगारी की समस्या उसको खत्म करने की बात कर रहे हैं, तो लोग भारत जोड़ो यात्रियों का विरोध कर रहे हैं, यही इनका चेहरा चार और चरित्र है। राइट, देखिए आप इस बात को बहुत गहराई से समझिए कि जब से आम आदमी पार्टी यहाँ पर दिल्ली में चुनकर बहुमत से आई है तो लोगों की एक आशाएं थी, लोगों को लगता था कि जैसे कांग्रेस करप्टेड थी इस तरह से आम आदमी पार्टी करप्टेड नहीं होगी, पर आज मैं एक एक बंदा ये कहने को तैयार है, आप लोगों ने यहाँ से पूछिए कि लोगों ने बोला कि बेड नहीं है, एक्सरे के लिए मशीन नहीं है, खाना नहीं है, अरे मोदी सरकार जी की जितनी स्कीम्स हैं उसको अपना बनाकर चलती है, अरे कम से कम केजरीवाल ने जनता के लिए काम तो किया है, आप तो पूंजीपतियों के लिए काम कर रहे हैं। देखिए जहाँ तक पूंजीपतियों का सवाल है, ये मेरे भाई बता दें कि जिन पूंजीपतियों का ये नाम ले रहे हैं उन पूंजीपतियों ने कितना रोजगार दिया इस देश में, ये भ्रम फैलाने की बात ना करें आप, जो भी नहीं जब कुछ ना मिले तो आरोप लगाओ, दागो और भागो, यही इनकी राजनीति रही है। निर्मला सीतारमन जी ने बात पुष्टि के साथ बोली कि जिन जिन के नाम ये बोल रहे हैं उन सब की प्रॉपर्टियों को जब्त कर लिया गया है और करोड़ों रुपया इस वक्त वापस ले लिया गया है, इनके में हिम्मत कांग्रेस में? देखो आज भी नंबर नहीं आया बेटा, कोई बात नहीं कल आ जाएगा, है ना, तुम रोज आते हो, आज काम करा सर, केजरीवाल ने काम करा है।